हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गर्मियों के बहुत ही बढ़िया ठंडक देने वाले, ताकत देने वाले लड्डू। तो सर्दियों में तो हम लड्डू बना के खाते ही हैं, लेकिन ये हम आपको स्पेशली गर्मियों के लिए लेके आए हैं कि गर्मियों में भी बहुत ही बढ़िया से लड्डू बनते हैं जिसे आप खा सकते हैं, जिसे खाने से शरीर में ताकत मिलती है, ठंडक मिलती है, कमजोरी दूर होती है, कई बीमारियां दूर होती है। तो फ्रेंड्स, एक बार जरूर इस लड्डू को बना के खाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जरा से पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमीदास किचन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपने व्यूज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में एक कप मखाने लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमें मखाने को चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो मखाने बहुत ही फायदेमंद रहते हैं फ्रेंड्स, गर्मी सर्दी सभी के लिए फायदेमंद रहते हैं, छोटे से बड़े सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो ये मखाने को हमने मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए थोड़ी देर रोस्ट कर लिया है। देख सकते हैं इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी बर्तन में हम हाफ कप घी लेंगे। इसमें हम एक कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स, अगर मोटे वाला जो गेहूं का आटा होता है, अगर वो है आपके पास तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें हम हाफ कप बेसन भी ऐड कर देंगे। तो इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए थोड़ी देर भूनना है। 5 से 6 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम हाफ कप सूजी ऐड करेंगे, रवा सेमोलिना जिस भी नाम से आप जानते हो। सूजी इसमें आप मोटे या फिर बारीक वाली कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छे से दानेदार बनेंगे। तो सूजी को हमने बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि बेसन और आटे को भूनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और सूजी को भूनने में कम टाइम लगता है। तो अभी ये सूखा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे ही सॉफ्ट होता जाएगा। तो बस ध्यान रखना है कि चलाना नहीं छोड़ना है, चलाते हुए ही इसको भुनना है। गैस की फ्लेम को भी हमने लो मीडियम पे रखा है, लो मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए इसको भुनेंगे। तो ये जो मखाने हमने भुन के रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं, तो इसको हम मिक्सर जार में डाल के दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये भुनते भुनते काफी सॉफ्ट हो गया है हमारा आटा और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम 7 से 8 कटके हुए काजू ऐड करेंगे, 1 चम्मच कटके हुए पिस्ता, 2 चम्मच इसमें हम मगज ऐड कर देंगे, 2 चम्मच किशमिश ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें हम खसखस ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो भी ड्राई फ्रूट यूज किया है किसी की भी तासीर गर्म नहीं है, तो गर्मी में आप आराम से खा सकते हैं। तो इसको 2 मिनट हम इसी में भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को अलग से भूनने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से आटे के साथ ही इसको भून सकते हैं और बहुत ही अच्छे से टेस्ट भी आ जाता है। तो 2 मिनट इसको हमने इसमें भून लिया है। अब जो मखाने हमने ग्राइंड करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो मखाने को एकदम फाइन ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा ही ग्राइंड करना है हल्का। तो इसे हमें इसमें मिक्स कर लेना है क्योंकि मखाने को हम ऑलरेडी ही रोस्ट कर चुके हैं, इसलिए दोबारा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये मिश्रण हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, यानी कि ये टच करने लायक हो गया है। तो पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, लेकिन इतना ठंडा कर लेना है कि आप इसे टच कर सके। अब इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम 1.5 कप पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। तो इसी कप से हमने 1 कप चीनी को पीस लिया था, जो पीस कर 1.5 कप हो गई। तो इसे मिक्स करेंगे। आप चीनी की जगह पे चाहे तो खांड भी ले सकते हैं पीस कर, और चाहे तो तगार जैसे बुरा भी बोला जाता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप इस तरीके से मुट्ठी में बाइंड करके चेक कर सकते हैं कि बाइंडिंग हो रही है कि नहीं। अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें 1/2 चम्मच घी गर्म करके डाल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू को अपने हिसाब से आप छोटे बड़े साइज में बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मीठा भी अपने हिसाब से ले सकते हैं इसमें, जैसा भी मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ये लड्डू हमारा रेडी है। ऐसे ही सारे लड्डू हमें रेडी करने हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी है, आप गर्मियों के लिए जरूर बनाएं।
लीजिए ये हमारे लड्डू रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो लीजिए हमारे हेल्दी और टेस्टी लड्डू रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दिखाते हैं आपको तोड़ के भी कितने सॉफ्ट बने हैं, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुलने वाले लड्डू है, खाने में टेस्टी भी लगते हैं और बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इसे गर्मियों के लिए जरूर बना के खाएं, छोटे से बड़े तक सभी इसे खा सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो ट्राई करना तो बनता ही है, जरूर ट्राई करें, एक बार ट्राई कर लिया हमेशा बना के खाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। अब वो आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।